कुछ है, करना ये है वो है, प्लान्स है, प्लान बनाते हैं वो हमारे इंटेलिजेंस से प्लान बनाते हैं, दिमाग से बनाते हैं, मगर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लान, एग्जीक्यूशन एक्शन वो नहीं होती है, क्योंकि वो रहती है पूरी इमोशंस के ऊपर डिपेंड। प्लान है कि भाई कल सुबह उठ के मुझे फिट होना है, ये मेरा प्लान है, ये मेरी संभावना है, ये मेरी पॉसिबिलिटी है, मगर कल सुबह इमोशंस जो है, आलसी बना, कंफर्ट जोन, रिलैक्सेशन, ये सब ऊपर आते हैं, वो थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं कि जान दो आज के दिन रहने दो, वो थॉट प्रोड्यूस हो गए कि जान दो आज के दिन रहने दो, कल से चालू करेंगे और फिर मैं सो जाता हूं। देखिए हमारे पास में प्लान्स बहुत हैं, एग्जीक्यूशन नहीं है, मगर वो है भी, प्लान भी है और एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं, तभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जो आज का टॉपिक में बात कर रहा हूं, वो है आप फिट है क्या, क्या आप तंदुरुस्त है क्या। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यदि फिट नहीं है, आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो फिर फायदा क्या है, क्योंकि जो भी कुछ करना है आपके बॉडी के थ्रू ही करना है, आपको पैसा बहुत कमाने का, बॉडी के थ्रू पैसा कमाने का, पैसा पैसा कैसा आया है, काम करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी तभी पैसा आएगा, जो भी करना है वो अपने बॉडी के थ्रू करना है, तो बॉडी के लिए हम कितना टाइम देते, लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, टाइम नहीं है। तो एक सिटी है हमारी जैसी, जैसी उसकी पॉपुलेशन 10 लाख की है, कितने लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते होंगे, हार्डली 1000-1500 लोग आपको दिखेंगे, सब पूरे मैदान सब काउंट कर लिए ना, 1000-1500 लोग निकलेंगे कि जो मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो फिटनेस होना बहुत जरूरी है, और फिटनेस यदि आपका है, और वो सारा फिटनेस नहीं है, लोग तो क्या ऐसे चलते हैं थोड़ा, बोले हाँ चल लिया, बोले शतपावली कर लिया, तो शतपावली करना चलना वो नहीं है, ऐसी एक्सरसाइज कि जो आपको पसीना पसीना निकाल दे, ऐसी 1 घंटा एक्सरसाइज आपको करना जरूरी है। हाँ मेडिटेशन करना है करो, ध्यान धारणा करना करो, मगर फिजिकल एक्सरसाइज वो बहुत जरूरी है। 24 घंटे में से 1 घंटा यदि आप निकालते हैं और पसीना पसीना निकालते बाहर, तो आप बहुत फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और इसके अलावा फिर हमको जो क्रेविंग रहता है कुछ कुछ चीज़ों का, उससे हमको बचना पड़ेगा। स्वीट का क्रेविंग रहना, मीठा खाने का बहुत क्रेविंग रहता है, दिखा कैसा था खा लूँ। वैसे कुछ लोगों को सिगरेट का है, शराब का है, कुछ और खाने का, नॉनवेज का किसको क्रेविंग रहता है, ऐसा बहुत कुछ क्रेविंग। तो खाने के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कंट्रोल में रखने पड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट यदि कंट्रोल में आप रखते हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, तो आप बहुत फिट रहेंगे। तो सैलड ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा सैलड खाना, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स खाना। नॉनवेज होंगे तो फिश, चिकन, मटन, एग्स, इसमें बहुत अच्छे प्रोटीन्स रहते हैं। वेज यदि है तो आप पनीर चीज़ ये खा सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, या प्रोटीन पाउडर भी आप ले सकते हैं जो मसल्स के लिए बहुत अच्छी है, वे प्रोटीन्स। तो इस तरह अपने आप को तंदुरुस्त रख के आप जो भी करना है, जो भी प्लान्स हैं, वो आप एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि फिटनेस के बहुत जरूरी है। अभी आप इसके साथ साथ मेंटल फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य, मेडिटेशन करो, ध्यान धारणा करो, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के कुछ जो एक्सरसाइजेस है, या जो खुद को करना है सीपीटी अपने आप के ऊपर, या फिर सेल्फ अफर्मेशंस, हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस वो करो, माइंड को रिलैक्स रखो, बहुत रिलैक्स कि भी जो भी कुछ होगा वो होगा, कोई चिंता नहीं है, बहुत इमोशनल नहीं होने का है, डरना नहीं है, रिलैक्स रहने का है, खान पान अच्छा रखना है, एक्सरसाइज अच्छा करना है, तो आपको कोई भी बीमारी होगी नहीं, और कोरोना को भी आप हरा पाएंगे, कोरोना से भी आपको इम्यूनिटी मिलेगी, कोरोना आपको होगा नहीं, क्योंकि कोरोना के लिए क्या है, इम्यूनिटी अपनी खत्म हो जाएगी। 7 से 8 घंटे सोना, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज, खान पान, और बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, ये करते हैं तो कोरोना से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, कोरोना आपको होगा नहीं। तो ये चीज़ें आप करते हैं तो आप एक अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, आनंद की जिंदगी जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।